जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों? राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023 में एक खबर निकली है दोस्तों, अखबार की न्यूज में आपको दिखाने वाला हूं। वो खबर कौन सी है दोस्तों? उसमें ये बात हुई है कि सबसे ज्यादा फॉरम कहाँ लगे हैं और अब वहां पे इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट लेने में भी बड़ी समस्याएं सामने आ चुकी हैं। तो इस वजह से क्या अब वहां पे लॉटरी का सिस्टम भी हो सकता है दोस्तों? उसमें बाकायदा लिखा हुआ है दोस्तों कि इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर ज्यादा ही समस्या आई तो लॉटरी की सिस्टम को भी चालू कर दिया जाएगा, लॉटरी से भी इस भर्ती को करवाया जा सकता है। बाकी कितने नगर निकाय हैं? 174 नगर निकाय हैं, 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू को लेकर के कि भाई अब कैसे करवाएं यहां पे। तो वहां लॉटरी का सिस्टम भी होने वाला है दोस्तों, लॉटरी से होगी फिर ये भर्ती वहां पे। तो चलिए इसी पर बात करने वाले हैं, तमाम जानकारी दूंगा, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बात है, क्या नहीं है, न्यूज़पेपर में क्या बात लिखी हुई है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम आपके साथ शेयर की जाती हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाया जाता है दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो देखते हैं फटाफट, राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023 ट्रेड टेस्ट व इंटरव्यू लेने में समस्याएं, अब लॉटरी से होगी भर्ती। आप देखो दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरम कहाँ लगे हैं? 176 नगर निकायों में भर्ती निकली हुई है जिसमें पद हैं टोटल 13,184। ठीक है जी, आवेदन कितने लग गए यानी कि फॉरम कितने लगा दिए भाई लोगों ने? 8,39,822 इतने फॉरम लगा चुके हैं दोस्तों इस भर्ती में, 8,39,822 फॉरम लगा चुके हैं महिला और पुरुष दोनों। अब देखो दोस्तों सर्वाधिक फोरम लगाने वाला नगर ये निकाय, सबसे ज्यादा फोरम कहाँ लगे हैं भाई? सबसे ज्यादा ठोकते हैं जयपुर में, समझ रहे हो, चाहे पद कमाओ और चाहे ज्यादा हो सब जयपुर के ठोकते हैं सारे के सारे। अब देखो वहां पे कितने फोरम लगा दिए, जयपुर ग्रेटर है एक तो, और एक जयपुर हेरिटेज है, दो नगर निकाय है जयपुर में। तो ग्रेटर में पद कितने हैं? 3,670 पद हैं। फोरम कितने लगा दिए? 3.35 लाख, 3.35 लाख फोरम लगा दिए जयपुर ग्रेटर में। पद कितने हैं? मात्र 3,670 पद हैं। इनमें लगा दिए हैं 3.35 लाख फोरम। अब देखो बात करें 3,670 पदों में 3.35 लाख फोरम लगा दिए, तो अब एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों का मुकाबला होगा दोस्तों? 91 अभ्यर्थियों का मुकाबला होगा, यानी कि 91 कैंडिडेट हैं उनमें से एक को लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भाई 91 कैंडिडेट है ना, उनमें से एक का सिलेक्शन होगा, बाकी 90 फेल होंगे, समझ रहे हो? जी हाँ दोस्तों, 90 क्या होंगे साथियों? 90 होंगे तुम्हारे फेल, ठीक, 90 को नहीं लिया जाएगा, 91 में से तो एक ही सीट का होगा सिलेक्शन, देख लो अब तुम। अब यहां रोज 2000 का प्रैक्टिकल हो बगैर अवकाश तो भी 165 दिन लगेंगे। अब देख लो दोस्तों, अगर यहां पे डेली की डेली इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट में लगाई जाए, टीम लगी रहे डेली, संडे हो मंडे हो कुछ नहीं देखा जाए, लगातार ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू चालू रखा जाए तो भी 165 दिन लग जाएंगे इसको लेते लेते। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। तो अब निगम में प्रैक्टिकल करना चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई कैसे ले इनका प्रैक्टिकल, कैसे करवाएं ट्रेड टेस्ट, ये भारी समस्या आ चुकी है भाई। इतने कैंडिडेट हैं, इतने सारे कैंडिडेटों का कैसे करेंगे प्रैक्टिकल, कैसे ट्रेड टेस्ट हो इनका, तो उसका जो समाधान है वो डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है दोस्तों। अब देखो दोनों निगमों में कुल आवेदन 5.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख फॉरम तो जयपुर जयपुर में ही लग गए, जयपुर ग्रेटर में, जयपुर हेरिटेज में 5.5 लाख फॉरम तो वहीं पे लग गए। अब देख लो पूरी भर्ती के आवेदनों का 65%
यानी कि पूरी भर्ती 100% है। इस 100% में से 65% फॉरम कहां लगे हैं? ओनली फॉर जयपुर में। कहां लगे हैं दोस्तों? ओनली फॉर जयपुर में 65% फॉरम लगा दिए ठोक ठोक के। आप बताओ, जयपुर ग्रेटर की बात हो चुकी है, जयपुर हेरिटेज की बात करते हैं। जयपुर हेरिटेज में पद हैं 108 के लगभग, आवेदन आ गए हैं 2.26 लाख। अब बताओ, 108 पद हैं और आवेदन 2.26 लाख। मैंने आपको बताया था, चाहे जयपुर में पद कम हो चाहे ज्यादा हो, ठोक ठोक के फॉर्म लगाएंगे जयपुर में ही साथियों। अब यहां देख लो, 100 ही पद हैं भाई, 108 ही तो पद हैं। इन 108 पदों पर 2.26 लाख फॉर्म लगा दिए गए हैं। कम नहीं है दोस्तों, ये फॉर्म बहुत ज्यादा है। अब एक सीट पर कितने बंदे हैं? यहां पे देखो, 2092 अभ्यर्थियों का मुकाबला होगा एक सीट पर, यानी कि 2092 कैंडिडेट हैं, उनमें से एक कैंडिडेट को पास किया जाएगा और बच गए कितने? 2091 कैंडिडेट, इनको क्या किया जाएगा? फेल किया जाएगा दोस्तों। अब बताओ, 2091 कैंडिडेट तो फेल होंगे जिनमें से एक लगेगा, 2092 कैंडिडेट हैं। अब 92 तो एक ही लगेगा, 92 से तो 2091 तो फेल होंगे। अब बताओ कितनी बड़ी तादाद में यहां फॉर्म लगाए गए हैं। अब देखो, इसके अलावा बचे हुए 174 निकायों में 9406 पदों पर करीब 3 लाख आवेदन आए। बाकी जो पूरी भर्ती है राजस्थान में, उसमें 13184 पद हैं, उनमें से देखो यहाँ पे 108 हैं और यहाँ पे 3670 हैं, ये पद तो अलग हैं। अब बच गए कितने? 9406 पद। इन 9406 पदों पर करीब 3 लाख ही आवेदन लगाए गए हैं पूरे भारत, पूरे राजस्थान की जितनी भी नगर निकाय हैं उनमें। अब बताओ, 3 लाख है सारी की सारी और यहाँ पे 2 में 5.5 लाख ठोक दिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से लॉटरी पर भी विचार बन रहा है, लॉटरी सिस्टम के आधार पर आवेदन चिन्हित करने पर भी विचार। 3 गुना बेरोजगारों को साक्षात्कार और ट्रेड टेस्ट में मौका मिलेगा। अब जितने बंदे आएंगे कैटेगरी वाइज से, उस हिसाब से उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उन लॉटरी सिस्टम से बुलाया जाएगा। जैसे भाई लॉटरी निकाल देंगे कि भाई इतने बंदे निकल के आएगा ये उसमें, अब उस लॉटरी में से फिर चुनेंगे वो कि भाई कितने बंदे हैं, इतने बंदे हैं, अब इनके 3 गुना बुला लो, ठीक है। अब जैसे मान लो लॉटरी में निकल गए ये 100 सीट है यहाँ पे, अब 100 सीट में से लॉटरी निकाल देंगे इन सबकी, इन सब की लॉटरी निकलेगी, उसमें 3 गुना को शामिल कर लिया जाएगा। अब 3 गुना में कोई भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वो भी मैं अंदाजे से बता रहा हूं कि भाई कैटेगरी वाइज होगा, बाकी इसमें लॉटरी लगेगी तो कैटेगरी क्या करेगी फिर? आप ये बताओ मेरे को, कैटेगरी क्या करेगी जब लॉटरी निकल रही है तो? किसी का भी नंबर आ सकता है भाई उसमें तो, है ना। तो इसमें 3 गुना जो बंदे होंगे उनको बुलाएंगे, फिर उन 3 गुना से क्या करवाया जाएगा? ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। ये तो होगा, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू तो होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी तो चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि बगैर ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू के भर्ती नहीं होगी। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू तो होके ही रहेगा और यही अंतिम चयन होने का जो है परिणाम होगा। लॉटरी सिस्टम तो एक जरिया है कि भाई इतनी ज्यादा भीड़ है, इस भीड़ में कैसे क्या करें, किस प्रकार से करें, तो इस प्रकार से लॉटरी सिस्टम से 3 गुना को बंदों को पास कर देंगे, फिर उन जो पास हुए हैं उन बंदों को सिस्टम क्या करेंगे भाई? ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, उनका फिर इंटरव्यू करवाएंगे, इस आधार पर ये भर्ती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि होगी ये ऐसे, अभी विचार ही बन रहा है कि ऐसे किया जा सकता है, बाकी अभी कन्फर्म नहीं है कि ऐसे करेंगे, विचार है ये तो साथियों। अब देखो, इससे यह भर्ती तय समय में कराई जा सकती है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रैक्टिकल लेने वाले अधिकारियों की टीम कम पड़ जाएगी। इनका यह कहना है कि भाई ऐसे किया जाएगा, ऐसे अगर हम नहीं करते हैं तो जो हमारी टीम है, जो अधिकारी लोग हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उनकी टीम ही कम पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि भाई अपने को ऐसा सिस्टम करना चाहिए, बाकी विचार हो रहा है अभी, इस पर यह नहीं हो रहा है कि भाई ये कर ही देंगे, लगा ही रहे हैं ये नियम, अभी विचार बन रहा है। बाकी चाहे कुछ भी हो साथियों,
ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू तो इसमें लिख भी रखा है, होगा ही होगा। जो 3 गुना में पास होंगे उनसे करवाएंगे ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू, तो वो तो होके रहेगा। इसलिए आप अपनी ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू की जो तैयारी है उसको जारी रखिए, उसको बंद नहीं करना है कि भाई अरे पता नहीं लॉटरी में अपना नंबर आए कि नहीं आए। अभी ऐसा कोई कह नहीं सकते कि लॉटरी आपकी निकलेगी, हो सकता है वैसे भी बुलाएं, कुछ ना कुछ मंथन चल रहा है। अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर है ये बात, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जो भी आएगी खबर तुरंत शेयर कर दी जाएगी आपके पास। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम आपके साथ शेयर की जाती हैं, चाहे वो परीक्षा वाली भर्ती हो चाहे वो बिना परीक्षा वाली भर्ती हो। तो दोस्तों जुड़ने के लिए थैंक्स, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई खबर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।